हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है द क्लास टाइम में। बच्चों, आज जो हम लेके आए हैं बहुत ही धमाकेदार मजेदार जो चैप्टर है, लेटर राइटिंग का एक और चैप्टर जो कि क्लास 11th 10th दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो करने वाले हैं वो है इंक्वायरी लेटर। नाम तो सुना ही होगा, इंक्वायरी लेटर। इससे पहले हमने प्लेसिंग ऑर्डर कर लिया है, और जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि 10th और 11th टर्म 2 में क्या होगा कि आपके पास कोई एक लेटर आएगा, चाहे वो इंक्वायरी लेटर हो चाहे वो प्लेसिंग ऑर्डर हो। ठीक है, तो आपके पास देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर छोटी सी चीज, उसके बाद तो लेटर ही करने वाले हैं, और जिसको ये छोटी सी नहीं सुननी है वो स्किप कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे पहले 10th वालों के लिए बता देते हैं, फिर 11th वालों के लिए बता देते हैं। भाई देखो, जो बच्चे क्लास 10th में, ठीक है, उनके पास दो दो चीजें हैं भाई राइटिंग में। एक क्या है, एनालिटिकल पैराग्राफ है, और एक क्या है, लेटर राइटिंग है। तो इन दोनों में भाई इनके पास चॉइस है। क्या है चॉइस? ये करो चाहे ये करो, आपको पास चॉइस है। पर वहां पर लेटर के अंदर चॉइस नहीं है। वहां पर अगर लिखा होगा प्लेसिंग ऑर्डर और एनालिटिक पैराग्राफ, तो बहुत बच्चे एनालिटिक पैराग्राफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद से लिखना पड़ता है, और मुझे पता है बहुतों की इंग्लिश बहुत गंदी है। ठीक है, तो उसमें वो करके वो बच्चे तो अपना मार्क्स खराब नहीं करेंगे। तो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, लेटर की तरफ ही जाएंगे। तो अब उनके पास एक ही लेटर होगा, और जो वो लेटर होगा वो आपको करना पड़ेगा, चाहे वो प्लेसिंग ऑर्डर हो चाहे इंक्वायरी लेटर हो। और तो इसलिए आपको दोनों लेटर याद करना जरूरी है। तो सेम चीज 11th वालों के लिए भी है भाई, सेम चीज तुम्हारे लिए भी है। ठीक है, तो तुमको भी भाई कोई चॉइस नहीं आ रही है, तो तुम्हें भी लेटर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इंक्वायरी लेटर। देखो ये इतना इजी मैंने इस वीडियो को बनाया है कि अगर कोई भी बच्चा हो, ठीक है, चाहे उसको हिंदी है, मतलब चाहे वो हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, अगर उसको इंग्लिश में अगर वो खुद लिख नहीं पा रहा है तो वो मतलब इससे देख के मतलब वो कर सकता है। बस बात ये है, मैं इसलिए बनाऊ। सबसे पहले बात इंक्वायरी लेटर यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है भाई होता क्या है। तो एन इंक्वायरी लेटर इट इज यूजली रिटन टू गेन समवन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसिपिएंट। वाइल राइटिंग एन इंक्वायरी लेटर इज इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ टू डेट द रिसिपिएंट कैन ऑथेंटिकेट द सोर्स ऑफ द इंक्वायरी एंड सजेस्ट टू राइट द एन इंक्वायरी लेटर। तो इंक्वायरी लेटर क्या होता है, हमें कोई चीज जाननी होती है हम तब लिखते हैं, बस इतना समझ लो, इतना ताम झाम नहीं लिखना है कि हमें मतलब हमें जिस बंदे से जानना हो, ठीक है, अगर हम कहीं कोर्स खरीद रहे हैं या फिर कुछ मतलब जानना चाहते हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से या फिर किसी भी मतलब एक पर्टिकुलर बंदे से नहीं, मतलब किसी भी कंपनी से, ठीक है, जहां से हम वो चीज खरीदने वाले हैं, तो उनके बारे में हम इंक्वायरी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इंक्वायरी लेटर लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात इसमें क्या क्या कैसा होना चाहिए, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। तो सबसे पहले बात अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना होता है बॉडी पार्ट में। ठीक है, प्रोवाइड द डिटेल अबाउट द थिंग्स और द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हम क्या पूछने वाले हैं और किस सब्जेक्ट में। रिक्वायर्ड डाटा, राइट यूर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, हमें क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। इफ यू आर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन और पर्टिकुलर डेट, हमें अर्थ में हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि उस डेट के लिए ही है, तो वो भी हमें मैंशन करनी पड़ेगी, और थैंक देम और हमें थैंक करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब है। तो चलो हम सीधे हम फॉर्मेट देख लेते हैं, ना ताम झाम तो नहीं है। देखो सबसे पहला जो हम इंक्वायरी लेटर लिखेंगे, सबसे पहले बात यहाँ पर क्या आएगा, गिवन एड्रेस। सबसे पहली बात यहाँ पर एक आएगा एड्रेस जो दिया होगा, ठीक है, और वो एड्रेस कौन सा होगा भाई, गिवन एड्रेस होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, जो तुम्हारे पास जो लेटर आ रहा है, ठीक है, वहां पर लिखा होगा यू आर फलाना ठिकाना, तुम यहाँ पर रहते हो, और तुम्हें ना किसी चीज की मतलब जरूरत है, और तुम्हें वो उस चीज के लिए इंक्वायरी करनी है। तो जो वो फलाना ठिकाना जो एड्रेस है ना, वो जो तुम्हारा, वो तुम्हें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब आएगा क्या, सेंडर एड्रेस, मतलब जो बंदा लेटर लिख रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां पर लिखा होगा कि यू आर आकृति या फिर यू आर अंशुल, और तुम वो लेटर भेज रहे हो, और उसके साइड में एड्रेस होगा, तो वो तुम्हें लिखना है। एग्जाम्पल भी दूंगा और एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और या फिर अगर तुम्हें ज्यादा तामझाम लग रहा है, अगर कोई एड्रेस नहीं है, तो वहां पर तुम एग्जाम हॉल डाल के आ सकते हो, अगर कोई वहां पर एड्रेस नहीं है। फिर उसके बाद क्या आएगी भाई, डेट आएगी, क्या क्या जाएगी भाई, डेट, जो भी डेट होगी जिस दिन का एग्जाम है, जैसे मतलब 10th वालों का एग्जाम 27 पे, तो वो 27 डाल के आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, प्रिंसिपल। हाँ, यहाँ पर तो जो ये वाली लाइन है, जरूरी नहीं प्रिंसिपल हो,
और मान लो कि तुम अगर जो इंक्वायरी है कहीं और से कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर भाई प्रिंसिपल तो होगा नहीं। अब मान लो कि ना तुम एक मतलब घर ले रहे हो, क्या मतलब तुम्हें एक रेंट पे घर चाहिए, ठीक है, तो तुम्हें उस चीज के बारे में इंक्वायरी करनी है, तो वहां पर भाई प्रिंसिपल तो होगा नहीं, वहां पर क्या होगा, मैनेजर होंगे। हम क्या लिखेंगे, द मैनेजर। हम किसको लिखेंगे भाई, वहां पर हम मैनेजर को लिखेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि मतलब कंडीशन कैसी है, ठीक है, मतलब अगर मतलब मान लो कि वहां पर मतलब किसी इंस्टीट्यूट का है कि कोई मतलब इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वहां अगर कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अब और मान लो कि वहां पर ना कोई कंप्यूटर क्लास का जो जो तुम कंप्यूटर कोर्स सीखने जाते हो, तो वहां का कोई एक इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर तुम किसको लिखे हुए, वहां पर प्रिंसिपल तो होते नहीं इंस्टीट्यूट में, तो वहां पर भी क्या होते हैं, मैनेजर हो गए, तो वहां पर भी हम क्या लिखेंगे, द मैनेजर, हम मैनेजर को लिखेंगे, ठीक है। ये प्रिंसिपल तो तब आता है जब कोई स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तब हम प्रिंसिपल के बारे में लिखेंगे, ठीक है, तब प्रिंसिपल, ठीक है। तो समझ गए यहाँ पर क्या आना, क्या आना चाहिए, ठीक है, वो क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें खुद पता लगाना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज या फिर कोई इंस्टीट्यूट है तो उसके उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो क्वेश्चन में लिखा होगा। फिर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, हाँ, अब उस चीज का नाम क्या है भाई, अगर मान लो द मैनेजर कंप्यूटर वाला कोर्स है भाई, कंप्यूटर वाले बंदे का भाई उस इंस्टीट्यूट का नाम होगा, वो लिख देंगे। अगर कोई मतलब अगर हम कोई फ्लैट व्लैट ले रहे हैं, तो वहां पर मतलब उस पर्टिकुलर वो अपार्टमेंट है वहां का नाम होगा, तो वहां पर ये वहां पर नाम आ सकता है, पर मोस्टली आपके पास जो आएगा वो मतलब स्कूल और कॉलेज से रिलेटेड आएगा, तो मतलब नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम और उसका एड्रेस साथ में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा भाई, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में लिखेंगे इंक्वायरी रिगार्डिंग, ये चीज बिल्कुल सेम करनी है, और यहाँ पर जो भी मेन टॉपिक होगा वहां पर लिखा होगा कि ना तुम्हें इंक्वायरी करनी है भाई, मतलब कंप्यूटर कोर्स के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्वायरी रिगार्डिंग कंप्यूटर कोर्स, लिखा कि ना इंक्वायरी रिगार्डिंग वहां पर लिखा रहेगा कि भाई फ्लैट फ्लैट के लिए, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर फ्लैट लिखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में होगा वो लिखना है तुम्हें, ठीक है। फिर क्या है, डियर सर और मैडम जो भी है ये तुमने, पर मोस्टली तुम डियर सर लिख सकते हो कि वहां पर कोई डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो इतना तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, इतने तो तुम बेवकूफ नहीं हो, मुझे पता है। फिर उसके बाद आता भाई बॉडी, बॉडी में देखो यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या लिखोगे, आफ्टर रीडिंग और एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग ये, और यहाँ पर फलाने का ना, मतलब यहाँ पर सबसे पहले बात आपको ना मतलब ये बताना है कि आप यहाँ पर पहुंचे कैसे, तुम उसको लेटर लिख क्यों रहे हो, ठीक है, तुम्हें ये तुमने जो जो ये देखा, ये मतलब जो तुम उसको इंक्वायरी भेज रहे हो, ये तुमने मतलब तुम्हें उस इंस्टीट्यूट के बारे में पता कैसे चला, वो पहले बताना पड़ेगा। और तुम्हें फिर उसके बाद तुम्हें जो बीच में ना तुम्हें एक लिस्ट देनी पड़ी भाई, तुम्हें उससे क्या पूछना है कि भाई ड्यूरेशन मान लो कि कोई कोर्स ले रहे हो, ठीक है, तो वो कितने टाइम तक है, उसका फीस कैसा है, मतलब नंबर ऑफ बैच, मतलब एक बैच में कितने बंदे रहेंगे, ठीक है भाई, कोई ट्रांसफर फैसिलिटी है या नहीं, यहाँ पर तुम और जोड़ सकते हो क्योंकि भाई फीस कैसी है भाई, फीस हाँ, और मतलब पेमेंट मोड कैसा है भाई, हमें ऑनलाइन करना है, चेक करना है, कैसे करना है, ये सब तुम पूछ सकते हो, मतलब जो भी तो तुम्हारे मन में, तीन मतलब कम से कम चार तो होना ही चाहिए, तो मेनली फोर तो होना ही चाहिए। अगर मान लो तुम वहां पर भाई फ्लैट ले रहे हो, तो तुम वहां पर क्या लिखोगे कि भाई कितने BHK का है भाई, 3 BHK 4 BHK है, लाइट कंडीशन कैसी है, मेट्रो कितनी दूर है भाई, वहां से स्कूल कितना दूर है, मतलब तुम ये सब पूछ सकते हो, ठीक है, वो सब होगा। फिर थर्ड पैराग्राफ में आई विल, फिर वहां पर भाई थैंक वैंक करोगे और उससे कहोगे कि भाई हम जल्दी है मतलब इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थैंकिंग यू योर्स ओबीडेंटली, जो भी मतलब होगा वहां पर, अगर स्कूल में है तो योर्स ओबीडेंटली लिख सकते हो, फिर थ्रिली, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखो, यू आर वेटिंग योर क्लास 12th रिजल्ट, तुम अपने भाई 12वीं क्लास के रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ठीक है, जरूरी नहीं वहाँ पर 10th भी लिखा हो सकता है, 11वीं कुछ भी है, ठीक है। मीन वाइल यू वुड लाइक टू अ शॉर्ट टर्म कोर्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, भाई तुम्हें एक शॉर्ट टर्म कोर्स करना है भाई, किस चीज़ का करना है भाई, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भाई, पर्सनैलिटी इनहेंस करने के लिए, राइट अ लेटर। अब देखो यहाँ से अब तुम्हें बता रहा है भाई, तुम्हें एक लेटर लिखना है किसको, द डायरेक्टर। अब देखो यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं आएगा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है द डायरेक्टर, हमें डायरेक्टर को लिखना है, डायरेक्टर, तो वहां पर क्या आएगा, द डायरेक्टर। जैसे कि यहाँ पर था ना, यहाँ पर मैं तुम्हें बता रहा था भाई प्रिंसिपल आएगा, मैनेजर आएगा, तो यहाँ पर अब क्या आएगा, द डायरेक्टर, भाई क्वेश्चन में लिखा होता है, वहां पर लिखा भी हो सकता है कि भाई मैनेजर को लिखना है, ये मैं देखो एक और क्वेश्चन है। उसके बाद फिर लिखा है कि पर्सनल केयर हैदराबाद, ये भाई कंपनी का नाम है, टू द डायरेक्टर और उस बंदे के बाद जस्ट बाद उसके स्कूल या कॉलेज या फिर उस इंस्टीट्यूट का नाम होगा, जैसे पर्सनल केयर,
ये उस कंपनी का नाम है, इंक्वायरी अबाउट द डिटेल ऑफ योर कोर्स। हमें भाई इंक्वायरी करनी है अपने कोर्स के बारे में, और यू आर कैलाश या फिर कुसुम जो कि 178 मॉडल टाउन दिल्ली में रहते हो। देखो कैलाश और कुसुम और जस्ट उसके बाद उसका एड्रेस है, तो हमें ऐसे करना। तो सबसे पहले बात क्या आएगा भाई, सेंडर एड्रेस आता है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात सेंडर एड्रेस 148 मॉडल टाउन न्यू दिल्ली, और जिस दिन हम वो लेटर लिख रहे हैं जैसे 26 जनवरी लिखा है उसमें, तो जैसे कि हम जिस दिन एग्जाम का डेट होगा वो लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, डाक डायरेक्टर, क्योंकि हम डायरेक्टर को लिख रहे हैं। अब भाई उसका मतलब वो क्या है, क्या है मतलब कंपनी का नाम क्या है भाई, उसके पर्सनल क्या है कंपनी मतलब इंस्टीट्यूट का नाम। फिर वो कहाँ पर है भाई, चार मीनार हैदराबाद, वो क्वेश्चन में लिखा पड़ा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैं लिखेगा इंक्वायरी अबाउट शॉर्ट टर्म कोर्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जरूरी नहीं कि यही तुम लिखो, लिखोगे इंक्वायरी इंक्वायरी अबाउट लिखने के बाद अब जो भी लिखा है, जो भी क्वेश्चन में लिखा है वो लिख दोगे कि वीड यू लाइक टू डू अ शॉर्ट टर्म कोर्स इन पर्सनैलिटी, तुम इसलिए लिख देना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंक्वायरी अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है। सीधे सीधे फाइल लिख देना कोर्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सीधे लिख देना, ये शॉर्ट टर्म वोट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा डियर सर। अब देखो यहाँ से अब डियर सर के बाद अब तुम्हारी जो मेन चीज है वो स्टार्ट होती है, तुम्हें ये रट्टा मार लो कुछ भी कर लो, मतलब यही लिख के आना पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आए। तो क्या लिखोगे भाई, आई केम अक्रॉस यूर एडवर्टाइजमेंट, भाई मैंने एडवर्टाइजमेंट से आए हूँ इन यस्टरडे न्यूज़पेपर, जो कल के न्यूज़पेपर में था छपा हुआ। आई वुड लाइक टू नो मोर डिटेल अबाउट द कोर्स, मैं कोर्स के बारे में जानना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर कोर्स नहीं है, यहाँ पर फ्लैट है भाई, फ्लैट लिख देंगे, यहाँ पर अकोमोडेशन लिख देंगे, ठीक है। अगर हाउस के बारे में जानना है तो हाउस लिख देंगे, ठीक है। ऑफर्ड बाय योर यहाँ पर लिखा है इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर भाई योर कंपनी भी लिख सकते हैं, अगर कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट नहीं है तो यहाँ पर कंपनी लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, अब यहाँ पर लिखा है आई एम अ क्लास 12th स्टूडेंट एंड विश टू परस्यू योर कोर्स। यहाँ पर भाई तुम्हें एक लाइन में बताना पड़ेगा कि भाई मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ और मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है। ये या फिर अगर वो नहीं है तो तुम लिख सकते हो भाई आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ मतलब आई एम मतलब परस्यूइंग, या फिर जो भी तुम कर रहे हो, या फिर तुम एक जॉब होल्डर हो, ठीक है, तुम जॉब करते हो, तुम वो लिख सकते हो, ठीक है। और ना तुम्हें मतलब फ्लैट चाहिए तो लिख दोगे, ठीक है, फ्लैट लिख दोगे। और जैसे कोर्स है तो ये लिखेगा परस्यू अ कोर्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यहाँ पर मतलब मेन टॉपिक आएगा जो भी है, और काइंडली सेंड मी द फॉलोइंग डिटेल, ये तो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर भाई, तुम्हें ये चार पांच पॉइंट भाई पूछनी पड़ेंगे। अगर तुम जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, किसी कॉलेज में जा रहे हो, तो ये भाई जो पॉइंट है वो ये याद कर लो, द प्रोग्राम फैकल्टी भाई, द प्रोग्राम फैकल्टी है, मतलब सबसे पहली बात कि भाई जो टीचर है वो कौन पढ़ाएगा हमें वो पता होना चाहिए। फिर क्या है, द फीस स्ट्रक्चर मोड पेमेंट मोड, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर कैसा है भाई, पेमेंट मोड कैसा है, तुम इसको दो बार ये दो एक साथ है, तुम इसको अलग अलग करके भी सकते हो, और तुम्हें मतलब तुम्हें याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या है, करिकुलम डिटेल भाई, कैसा सिलेबस है, ड्यूरेशन सेशन भाई, कितने टाइम तक ये पूरा कोर्स खत्म होगा, टाइमिंग क्या होंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या फिर नहीं। और फिर लास्ट में एक और चीज लिखना है, काइंडली मेक इट क्लियर वेदर स्मार्ट बोर्ड आर प्रोवाइडेड इन द क्लास। या अगर तुम यहाँ पर लिख करो काइंडली मेक इट क्लियर कि भाई वहाँ पर मतलब कि ना टाइमिंग ऑफ मतलब वहाँ पर कुछ एक ऐसी चीज लिखना जो मतलब तुम्हें पता होना हो, और ना वो बचा के रखना कोई एक इम्पोर्टेंट चीज, कि काइंडली मेक इट क्लियर कि मतलब जैसे कि यहाँ पर लिखा स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है, तुम वहाँ पर लिख दो ये मतलब लंच आर प्रोवाइडेड, या फिर कुछ भी मतलब लिख सकते हो, ठीक है। फिर यूर फेथफुली उस बंदे का नाम, और फिर यहाँ पर तुम्हारा लेटर खत्म। तो ये पूरा जो फॉर्मेट था वो था, तुम इसे मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वीडियो को, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि तुम्हारा क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है, घर से कर लेना। यू आर इंटरेस्टेड अ शॉर्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, तुम्हें कौन कंप्यूटर ग्राफिक्स का कोर्स करना है ड्यूरिंग योर हॉलीडे, हॉलीडे का टाइम, तो तुम्हें डायरेक्टर को लिखना है जो कि क्या फॉर्च्यून ग्राफिक्स कंप्यूटर कंपनी का नाम है, और तुम्हें करना है, और तुम्हें मतलब डिटेल पूछनी, और यू आर अनुज जो कि रहता है उत्तरनगर। तो सबसे पहले भाई ये एड्रेस आएगा पता ही है, और फिर उसके बाद क्या आएगा, द डायरेक्टर, फिर कंपनी का नाम, वो जो कंपनी कहाँ पर है भाई, लिखा तो नहीं है कंपनी कहाँ पर है, तो तुम न्यू दिल्ली लिख देना, क्योंकि भाई पास नहीं करोगे। फिर उसके बाद क्या क्या आएगा भाई, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या लिखोगे, इंक्वायरी अबाउट लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखोगे, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखेगा सर, और फिर लिखोगे आई केम अक्रॉस टू योर एडवर्टाइजमेंट, जो मैंने लिखा था, और कि मतलब मैं आपके एडवर्टाइजमेंट से आया हूँ जो कि यस्टरडे न्यूज़पेपर में था। और फिर उसके बाद लिखोगे
मतलब कि ना अब तुम्हें करना क्या है भाई, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने तुम्हें ले दिखाया कि ना आई वॉन्ट टू नो द डिटेल अबाउट द कोर्स ऑफर बाई योर इंस्टीट्यूट, मतलब जो भी तो तुम्हारे स्कूल के मतलब जो भी तुम्हारे इंस्टीट्यूट है जो मतलब कोर्स ऑफर कर रहे हैं, मुझे उसके बारे में जानना है। और फिर लिखोगे कि ना आई एम मतलब यहाँ पर लिख क्या लिखा है, हाँ जो भी मतलब कोर्स है, फिर ना दिखोगे ना प्लीज प्लीज गिव अस डिटेल या फिर काइंडली प्रोवाइड मी द फॉलोइंग डिटेल, लिखने बाद ये 4-5 पॉइंट टिप दोगे, और फिर उसके बाद योर फेथफुली जो भी फलाना ठिकाना जो भी नाम है इसका, जो ये लिख के काम खत्म, और इतने में तुम पास हो जाओ। ये उन बच्चों के लिए खास कर है जो कि मतलब जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती और बिल्कुल मतलब वो बस लेटर करना चाहते हैं और अच्छे से करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस लेटर को लिख के, और बहुत ही अच्छा होगा आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और चलो।